दोस्तों, इन पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है मानो ये धरती ना होकर एलियन प्लैनेट से आए हैं। सच में दुनिया में आज भी ऐसे पेड़ मौजूद हैं जिन्हें देखने पर इंसानों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। दोस्तों, आज जो हम आपको पेड़ दिखाने जा रहे हैं वो फिल्मों और कहानियों में देखने और सुनने वाले पेड़ों से कम नहीं है। इन्हें देखकर आप भी शौक हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अद्भुत पेड़ पौधे दिखाने वाले हैं जिन्हें देख के आपको यकीन नहीं होगा कि ये धरती या कोई और प्लैनेट के हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी के बटन को दबाएं जिससे आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ड्रैगन्स ब्लड ट्री। सोकोट्रा के येमिनी आइलैंड पर पाए जाने वाले अजीब से पेड़ वहाँ की पहचान माने जाते हैं। वैसे तो जगह वहाँ की वाइल्ड लाइफ के लिए जानी जाती है, जिसका एक हिस्सा ड्रैगन ब्लड की ट्री भी है। देखने में ये किसी बड़ी छतरी या मशरूम की तरह लगते हैं। इन पेड़ों की डाली ऊपर की तरफ बढ़ती है और ये ज़्यादा दूर तक नहीं फैलते। इन पेड़ों की यही अनोखी बात नहीं है, इन पेड़ों को जब भी नुकसान पहुँचाया जाता है तो इनमें से एक अजीब सा लाल रंग का लिक्विड निकलता है जो दिखने में खून की तरह दिखाई देता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे हज़ार साल पहले ड्रैगन्स रहा करते थे और उनका इन पेड़ों से कनेक्शन था, लेकिन इन फैक्ट पे साइंटिस्ट की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आई है। आज के समय में भी इन पेड़ों से निकलने वाले अजीब से लाल लिक्विड में मौजूद केमिकल से वायलिन पॉलिश, रंग और ग्लू बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। विस्टेरिया। जापान में मौजूद ये पेड़ सबसे बड़ा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसे सबसे चौड़ा जरूर कहा जाता है। इस पेड़ की डालियां और स्टेम 21,000 स्क्वायर फीट तक फैली हुई हैं। कहा जाता है कि ये पेड़ 150 साल पुराना है। इसका पिंक और वाइट कलर का लुक टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। इसकी डालियां बहुत चौड़ी और फैली हुई हैं, जिसकी वजह से इसके नीचे स्टील सपोर्ट्स के लिए रॉड्स लगाए गए हैं ताकि टूरिस्ट इनके नीचे आराम से चल सके। यह अद्भुत पेड़ हमें अवतार मूवी के पेड़ की याद दिलाता है। टाइटन एरम। पेड़ पौधों की कुछ खास बात होती है, कुछ पेड़ सिर्फ फूल देते हैं और कुछ फूल फल देते हैं। कुछ फूल और फल दोनों देते हैं, और फूल हर कोई पसंद करता है, लेकिन टाइटन एरम एक ऐसा फूल है जो शायद ही पहले कभी आपने देखा होगा। ये दुनिया के सबसे बड़े फूलों में से एक स्पीशीज है। ये घने जंगलों में भी बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलते हैं। इनमें सबसे लंबा फूल तकरीबन 4 मीटर लंबा था। एक अजीब बात यह भी है कि जैसे ही ये फूल पूरी तरह से खिल जाता है उसी वक्त मुरझाने भी लगता है। एक्सपर्ट्स की मानने पर यह फूल घर में भी उगाया जा सकता है अगर इसे सही तापमान मिल जाए तो, लेकिन उसके लिए काफी बड़ी जगह होनी चाहिए। तिब्बतन चेरी ट्री। ये ट्री चाइना में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ट्री है। ये आम पेड़ों की तरह ही होती है और फल भी देती है, लेकिन दिखने में आम पेड़ों से बहुत अलग होती है। इसके ऊपर रेड और गोल्डन कलर की परतें होती हैं जो इसे देखने में काफी सुंदर बनाती हैं। दिखने में यह छोटी और पतली सी ट्री लगता है, लेकिन बड़े होने पर इसकी डाली काफ़ी मोटी हो जाती है। ये पेड़ अक्सर जगहों पर लगाया जाता है ताकि उन जगहों से एक अलग लुक दिया जा सके। ये ट्रीज 30 फीट की ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं। हाइपेरियन। आपने कई बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे, लेकिन अब जो आप पेड़ देखने वाले हैं वो दुनिया के सबसे बड़े पेड़ की स्पीशीज है। ये पेड़ 380 फीट की ऊंचाई तक बढ़ते हैं, जो कि एक पेड़ के लिए बहुत ही ज़्यादा है। ये पेड़ 600 साल पुराना है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि 700 से 800 साल पुराने भी हो सकते हैं। ये कैलिफोर्निया के जंगलों में पाया गया है। इसकी लंबाई का अंदाज़ा आप इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी 75 फीट लंबा है, जिसे दुनिया के सबसे लंबे पेड़ों में से एक बनाता है। रेनबो यूकेलिप्टस। फिलीपींस और इंडोनेशिया में पाए जाने वाले ये पेड़ अपनी अलग खूबी के लिए जाने जाते हैं। दिखने में ये आम पेड़ से काफ़ी अलग और सुंदर लगते हैं। इसका मजबूत तना अलग अलग कलर्स का होता है और ये पेड़ 200 फीट की ऊंचाई तक भी बढ़ सकते हैं। इनके इस अजीब रंग के कारण है इसका ऑरेंज कलर का तना, जो बड़े होते ही उसके अंदर से ग्रीन, ब्लू और ब्राउन जैसा अलग अलग रंगों की परतें निकलती हैं। ये पेड़ जितना पुराना होता है उतने ही इसमें ज़्यादा कलर्स पाए जाते हैं। जिन जगहों पर ये पेड़ पाए जाते हैं वहाँ किसी भी पेड़ के रंग या पैटर्न एक दूसरे से नहीं मिलते। हर एक पेड़ एक अलग पैटर्न का होता है। इतने सारे रंगों की वजह से इसका नाम रेनबो रखा गया है, जिसकी फोटो खींचने के लिए फोटोग्राफर्स दुनिया भर से यहाँ आते हैं। देवी देवी ट्री।
ये पेड़ जो आप अभी देख रहे हैं वो बहुत ही कमाल का है। इस पेड़ की खास बात यह है कि जिस भी तरफ पानी का समंदर होता है ये उस तरफ झुक जाता है और हवा भी उसे उसी तरफ झुका देती है। ये पेड़ 50 फीट तक बढ़ते हैं और इन्हें नेचर का कंपास भी कहा जाता है। इनसे लोगों को पता चलता है कि आसपास पानी किस तरफ है। अगर इस पेड़ को ऐसी जगह लगाया जाए जहां ज़्यादा हवा नहीं चलती तो एक नॉर्मल पेड़ की तरह ही दिखाई देता है। बोआबाब ट्री। सभी पेड़ों में ये पेड़ सबसे अलग और बड़े माने जाते हैं। ये पेड़ ज़्यादातर मेडागास्कर, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इन्हें अपसाइड डाउन ट्री भी कहा जाता है। ये अपने मोटे तने के लिए जाने जाते हैं। इन पेड़ों में भी कई स्पीसीज पाई जाती हैं। ये 100 फीट की ऊंचाई तक बढ़ते हैं और इनके तने 30 से 40 फीट तक चौड़े होते हैं। इन पेड़ों में आज तक का सबसे बड़ा पेड़ का तना 154 फीट तक देखा गया है। ये पेड़ इनमें बहुत सारे पानी स्टोर करके रख सकते हैं ताकि सूखे और गर्मी के समय इसका इस्तेमाल कर सके। ये अपने अंदर कई लाखों लीटर पानी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अब कई जगहों पर पानी ना मिलने की वजह से अपने वजन की वजह से ये पेड़ गिरते जा रहे हैं। वेब ट्री। अभी जो आप पेड़ देख रहे हैं वो चाइना का एक शहर का है। वैसे तो एक नॉर्मल बैनियन ट्री है, लेकिन इसके ऐसे दिखने के कारण ये है कि ये पेड़ एक दीवार के साथ लगकर बड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी जड़ें दीवार के ऊपर फैल गई थी। जब वो दीवार तोड़ी गई तो इस पेड़ को वहाँ से निकालकर दूसरी जगह ले जाया गया। तभी से इस पेड़ की जड़ इसका तना बन गई और ऐसा दिखाई भी देता है। कोपैक ट्री। हर कोई अपने डिफेंस के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाता है, लेकिन पेड़ पौधों के साथ ऐसा नहीं होता। उन्हें हमेशा इंसानों और जानवरों के खतरे रहते हैं। कोपैक ट्री एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसके तने और डालियों के ऊपर कांटे उगे होते हैं, जिसकी वजह से कोई इन पेड़ों के करीब नहीं जाता। इन पेड़ों का तना 10 से 20 फीट तक चौड़ा होता है और ये 200 फीट की ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं। जाबूटी काबा ट्री। दोस्तों, ज़्यादातर पेड़ों पर ऊंचाई पर फल लगते हैं, है ना? लेकिन अभी जो पेड़ आप देख रहे हैं उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन पेड़ों पर बेरीज या आड़ू जैसे दिखने वाले फल लगते हैं, लेकिन ये फल डालियों पर नहीं बल्कि पूरे पेड़ पर उगते हैं। ये पेड़ मैक्सिको में साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। इसके साथ ही ये साल में एक ही बार फल देता है। इसके फल के अंदर 4 बीज होते हैं और इनके अंदर के रंग काफ़ी सफ़ेद और कभी पिंक होते हैं। जाबूटी काबा ट्री को फलों का इस्तेमाल जैम या वाइन बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस लिस्ट में कौन सा पेड़ पसंद आया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।